जयपुर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण और सारथी सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कबीर मार्ग स्थित जीएमसी की ट्रेनिंग शाखा की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में अक्षमता निर्माण, विद्युत निगम आईटी एप्लीकेशन, सुरक्षा सावधानियों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता प्रदीप भंडारी ने बताया कि ये ट्रेनिंग जयपुर की 13 वृत्त और साथ ही 46 संभाग के कर्मचारियों को दी जा चुकी है। जयपुर डिस्कॉम में प्रशिक्षण विंग है, ट्रेनिंग विंग, जिसमें कि अधीक्षण अभियंता मैं प्रदीप भंडारी, साथ में मेरे सतीश शर्मा जी और कई एएनएस वगैरह हैं। निरंतर हम 1.5-2 साल से हर सर्किल में 13 सर्किल में जाके प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, रिफ्रेशर प्रोग्राम करते हैं, जिसमें फर्स्ट डे तो टेक्नोक्रेट्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ इंजीनियर्स, सेकेंड डे मिनिस्ट्रियल और थर्ड डे फॉर आवर टेक्निकल एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। पूरे दिन का सेशन होता है, अलग अलग फैकल्टीज अपने फील्ड में जो एक्सपर्टाइज होती हैं वो इनको लेसन देते हैं। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज होती है, बड़ा इको फ्रेंडली उसको एक्सपीडाइट करते हैं, जिससे कि हमारे कैपेसिटी बिल्टअप, सेफ्टी और जो अपने एक्सीडेंटल रेट हैं कम, और गुणवत्ता की बिजली सप्लाई करने का सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं। कि आदमी जो है बिजली पे कैसे काम करे, तो धीरे धीरे रिफ्रेशर कोर्स होते हैं तो उससे आदमी सेफ्टी के प्रति बड़ा सजग रहता है। और निश्चित तौर से जो हमारा जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, जो इन्होंने प्रयास किए हैं उससे काफ़ी कमी आई है दुर्घटनाओं में। और बाकी नए नए सर्कुलर जो डिपार्टमेंट में आते हैं उनके प्रति लोगों में जो है सजगता, जागरूकता और उनके बारे में जानकारी इस ट्रेन